और कड़ी टक्कर हो सकती है। हालांकि ये हवा में तीर छोड़ा जा रहे हैं, हवा में तीर कह रहे हैं कि 22 और 21 सीटें इस वक्त चल रही हैं उत्तराखंड में, 21-22 सीटें सुभाष, 21-22 सीटें रुझानों में चल रही है, कांग्रेस 21 और बीजेपी 22। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी इस बात पे मैं अग्री नहीं करूंगा कि ये बात सही है, क्योंकि अभी तक पोस्टल बैलेट की गिनती अभी तक लगातार जारी है, खासतौर से राजधानी देहरादून की जो सीटें हैं उनमें भी अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, और जिसमें पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है, जहाँ ईवीएम की गिनती शुरू हो रही है, फिर उसके पोस्टल बैलेट की रिजल्ट आ रहा है। जिस तरीके से मैंने कहा कि 3 विधानसभाएं ऐसी है जिन पर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है और उनके रिजल्ट सामने आ चुके हैं, उसमें से एक सहसपुर विधानसभा, एक विकासनगर विधानसभा और राजधानी देहरादून की कैंट विधानसभा है। चलिए आप नजर बना के रखिएगा, नजर बना के रखिएगा जो अपडेट आपके पास आ रहा है ग्राउंड जीरो से देहरादून का, उत्तराखंड की तस्वीर आपसे लगातार हम ले रहे हैं। लेकिन एके मिश्रा और संजय बघेल साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एके मिश्रा जी, ये मैंने कुछ गलत बोला तो नहीं? कुछ लोग कहते हैं इतना कड़वा मत बोला करो, कुछ मीठा मीठा भी बोला करो। मैं तो कह रहा हूँ ये हवा में तीर क्यों छोड़े जा रहे हैं अभी, कि वो कह रहे हैं 403 सीटों पर रुझान आ गए, कोई कह रहा है कि 70 की 70 सीटों पर रुझान आ गए उत्तराखंड में, ये रुझान आ गए मैं मान लूं या फिर अभी पिक्चर बाकी है? नहीं, देखिए क्या है, जैसे मिसाइल होती है ना, इलेक्शन कमीशन तीर तो केवल मिसाइल जो है वो इलेक्शन कमीशन ही छोड़ रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी रिजल्ट को डिक्लेयर किया कि भाई इतने सीटों पे काउंटिंग शुरू हो गई है और अभी तक का जो है एक घंटे तक का जो वोटिंग काउंट हुई है उसमें ये है, तो इस पल के लिए तो उसको माना जाएगा। अब वो मिसाइल आगे कहाँ कहाँ रास्ता जो है चेंज करेगी वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, इसको बहुत उतावलेपन में इसको फाइनल रिजल्ट नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन एक संकेत प्रारंभिक जरूर माना जाता है कि डायरेक्शन किधर है। अब हो सकता है 12 बजे तक सिचुएशन कुछ और बदल जाए, लेकिन एक बड़ी खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे अभी बैलेट पेपर निकल रहे हैं और बैलेट पेपर बाहर से आते हैं, तो बैलेट पेपर में जिसका भी रुझान दिख रहा है जिस भी पार्टी का, ये तो मानना पड़ेगा कि उस पार्टी की धमक इतनी है कि इतने दूर से बैठा वोटर भी अपने कर्तव्य को नहीं भूल रहा है, वो अपने वोट को पहुंचा रहा है। तो ये डेडिकेशन की किस पार्टी ने कितने डीप पेनेट्रेट किया है वोटर को, वो ये बताता है। और बैलेट पेपर का भी होता है, लोग जाके कॉन्टेक्ट करते हैं कि भाई आप अपना बैलेट पेपर का वोट दीजिए, तो ये माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट और इसके साथ साथ किसी भी पार्टी के फेवर में ये जा रहा हो बैलेट पेपर, तो अगर इतनी दूर से बैठे हुए वोटर को वो जगा सकते हैं, तो ग्राउंड लेवल के वोटर पे तो सभी लोगों ने काम किया है, तो इम्पैक्ट ज्यादा ही रहता है। मैं एक प्रारंभिक दिग्दर्शक दिशा सूचक में मान सकता हूँ इन रुझानों को। ले भगेश साहब, आपसे जानना चाहूंगा आपका अनुभव क्या कहता है, क्या मैं मान लूं ये सब कुछ फाइनल हो चुका है, खबर खत्म, दी एंड? तिलक जी देखिए, आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बघेल साहब। हाँ तिलक जी देखिए, जैसा कि रुझानों में आ रहा था अलग अलग एग्जिट पोल में, मैं तो बहुत जगह रिसर्च नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मैं लगातार अपनी टीम के साथ लगा हुआ था, और मुझे अनुमान यही था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा आएगी। लोग कितना भी कुछ बोलते रहे, दयाराम भार्गव जी अपनी जगह सही हैं और शायद खान साहब अपनी जगह सही हैं कि अभी तो ये रुझान है, लेकिन मुझे लगता है ये रुझान जो है परिणाम में कहीं ना कहीं, रिजल्ट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होंगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो रहा है कि इनका जो कंपेन चला माफिया राज को अंत करना, और एक तरह से योगी जी, भले मोदी जी हाँ पूरे देश के लिए ब्रांड रहे हों, लेकिन योगी जी अपने आप एक ब्रांड की तरह उभरे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो होना चाहिए, जैसे आप देख लीजिए पंजाब में जो आइडेंटिटी का क्राइसिस हुआ है बीजेपी को, उसी तरह जो गोवा में उस तरह से कोई बड़ा लीडर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बड़ा लीडर का चेहरा लेकर के लड़ा गया और वो अपने दम पर सीट कहीं ना कहीं निकाल के ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जो अभी रुझान आ रहे हैं, 4000 की लीड चल रही है योगी की लीड 4000 से ज्यादा की चल रही है गोरखपुर से। जी जी, और मुझे बिल्कुल निसंदेह मैं कह सकता हूं कि योगी जी तो अपनी सीट निकाल के ले जाएंगे और दूसरों को भी निकाल के ले जाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह से माफिया राज पे काम किया है, तो वो मैसेज कहीं ना कहीं लोगों के पास पहुंचा है, और चाहे जितने भी छोटी छोटी चीजें आपके 6000 की लीड हो गई, 6000 की लीड हो गई योगी की, 6000 की लीड हो गई, तो सीएम योगी की 6000 की लीड बताई जा रही है, जहां पर सीएम योगी 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं बताया जा रहा है।
ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन एक बात शाहिन खान साहब, खान साहब जैसी उम्मीद आवाज नहीं मिल पा रहा है मुझे जी। खान साहब मैंने कहा क्या पेश करूं आपकी खिदमत में, आंकड़े बताने के लिए नहीं है मेरे पास। तिलक जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब विपरीत परिस्थितियों में भी गोरखनाथ गोरखपुर की सीट योगी जी संभाल के रखे हुए थे, लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, तब अभी तो लहर एक तरह से हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह लहर थी जैसे 2000 नहीं नहीं, फूलपुर ने बहुत कुछ सीख दी थी ना, फूलपुर ने बहुत कुछ सिखाया था, फूलपुर ने वही सोशल इंजीनियरिंग सिखाई थी। लेकिन खान साहब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी बोलिए तिलक जी, आवाज आ रहा है आपका। खान साहब अब क्या करूं, अब तो एग्जिट पोल ने ना कोई आंकड़े दिए आपके फेवर में जो मैं बोल पाता, ना आप नतीजे आते हुए बताए जा रहे हैं कि कुछ आपके पक्ष में आ रहे हैं। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, अभी बहुत ही शुरुआती रुझान नहीं है, और इसके आधार पर यदि भाजपा के हमारे मित्र चाहे तो वो लड्डू पेड़े खा भी सकते हैं और बांट भी सकते हैं। तो अभी ये जो रुझान आ रहे हैं ये बहुत शुरुआती रुझान है, यानी इस पर तो यानी नतीजों में के आधार पे नतीजों में आप में पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो यानी नतीजों में आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं कि कैसे भी करके इज्जत बची, पहले आप ये सवाल बताइए 100 सीटें आपकी कम कैसे हुई? आप कह रहे हैं ये तो आपके लिए हार की बात है, बिल्कुल हार की बात है। ये लोग जानते हैं 300 के ऊपर 300 मतलब आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, 300 के ऊपर का टारगेट रखा था, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। अभी लोकतंत्र विपक्ष मजबूत होना चाहिए, हम भी अच्छा ये विपक्ष के लिए तो आप मान लीजिए कि आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, आप मान लीजिए कि आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए अभी। अरे हमारा टारगेट पूरा है, आप टेंशन ना लीजिए, हार जीत की बात छोड़ दीजिए, हार जीत की बात छोड़ दीजिए। अभी रुकिए अभी एक पंडित जी हमारे पता है भाजपा के प्रवक्ता कैसे बैठे हैं चुनाव में, इतिहास नहीं इतिहास, अरे इतिहास इस चीज को रखना नहीं बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं जब आप अखिलेश यादव की तरह 400 सीटों के लिए आप कॉन्फिडेंट, आप तो 300 सीट भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। अरे आप टेंशन ना लीजिए मिश्रा जी देखिए अभी परेशान हो ये, अरे टेंशन हम नहीं ले रहे हैं मिश्रा जी ने, ये देखिए ये तस्वीरें, ये आम आदमी पार्टी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब में जश्न मनाने की तैयारी कर चुकी है, भंगड़े डल रहे हैं, ढोल नगाड़े शुरू हो चुके हैं। और ये दिल्ली की तस्वीरें, माफ करिएगा, ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें, प्लीज एम्बियंस उठाइए और ये तस्वीरें अनीता मैडम को भी दिखाइए। अनीता मैडम देख रहे हैं पंजाब में झाड़ू आपकी उम्मीदों पर फेर दिया केजरीवाल ने, पंजाब में झाड़ू फिर गया। अनीता मैडम क्या हुआ? अनीता मैडम कांग्रेस की उम्मीदों पे झाड़ू फिरा है, वहां पे वहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की उम्मीदों पे झाड़ू फिरा है, हमारी सरकार नहीं थी वहां पे। अच्छा कोशिश कर रहे हैं पंजाब में तो आपका पंजाब में कोई टारगेट नहीं बनाया था, अब की बार इतने पार उतने पार, पंजाब में तो चार सीटें दिखाई दे रही है मुझे, चार। देखिए पंजाब में, लेकिन पंजाब में जितनी भी सीटें आ रही है हमारी पहले से ज्यादा ही आएंगी, कम नहीं आएंगी, हमने पहले अकेले होकर लड़े, अकेले दम पे बीजेपी लड़ रही है वहाँ पे। अच्छा बड़ी बात है, एक कमेंट आया है कि लगता है पंजाब यूक्रेन बनने वाला है, वहाँ पे कांग्रेस की उम्मीदों पे। अच्छा वहाँ पंजाब से कोई उम्मीद नहीं थी आपको, तो प्रधानमंत्री प्रचार करने क्यों गए थे वहाँ पर? देखिए हम कह रहे हैं कांग्रेस, अरे हमारा तो पूरा देश है, पूरे देश में जाएंगे प्रचार करने, हम तो सब जगह जहाँ पे कांग्रेस की उम्मीद को पानी फिरे वो कांग्रेस बताए ना, हमारी सरकार तो थी नहीं, हमारी जहाँ सरकार थी वो सब सरकार नहीं 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 पंजाब में अगर 84 सीटों पर रुझान में आम आदमी पार्टी 84 सीटों पर दिखाई दे रही है। अनीता मैडम रुझान में 84 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, जनता को आम आदमी पार्टी देख ले, अगले बार वो देख लेगी कि आम आदमी पार्टी आप तो किया है। नहीं आप तो अकालियों से भी पिछड़ गए, आप अकाली से भी पिछड़ रहे हैं, अकालियों से आप अपने सहयोगी रहे, अकालियों से पिछड़ रहे हैं पंजाब में अकाली, आने वाले समय में उनके भी आंखें खुल जाएंगी, लौट के आ रहे हैं। ओके
खान साहब पंजाब भी गया हाथों से। जा जा हमारी सरकारें है, वहाँ सब जनता ने भरोसा हम पे जिताया और सब जगह आ रहे हैं। ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि उनकी सरकार जा रही है, उनसे भरोसा टूट रहा है जनता का। ये कांग्रेस को ज्यादा सोचना चाहिए हमसे। ओके ओके, लेकिन ये खान साहब पंजाब से भाजपा के प्रवक्ता, पंजाब से कांग्रेस, पंजाब भी गया। तिलक जी प्रतीक्षा कीजिए, परिणाम आ जाने दीजिए, अभी कोई गया नहीं है, कोई आया नहीं है। साहब 16 सीटें रुझान है अभी, कांग्रेस 16 सीटों पर बढ़त बनाए है, बस महज 16 सीटों पर। मैं 117 सीटों के आंकड़े बता रहा हूँ आपको। अंतिम परिणाम नहीं है तिलक जी, अंतिम परिणाम नहीं है, बहुत ही शुरुआती रुझान है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अच्छा अभी इसमें भी प्रतीक्षा करें, उसके बाद मैं आपको टिप्पणी दूंगा। अच्छा उसके बाद पक्का पक्का पक्का, कब तक इंतजार रही आप? पंजाब भी जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी जीत रहे हैं। 12 बजे तक का, 12 बजे तक का प्रतीक्षा कर लीजिए। पंजाब भी जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी जीत रहे हैं, उत्तराखंड भी जीत रहे हैं, जनता का जो उत्तराखंड भी जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तिलक जी को थोड़ा सपना देखने दीजिए, 12 बजे तक सपने देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो हकीकत में आना ही है। अच्छा 12 बजे जागेंगे। देखो अहंकार, देखो कैसे अहंकार बोल रहा है इनका, भाजपा प्रवक्ता का। ये अहंकार नहीं बोल रहा है, ये अहंकार नहीं बोल रहा, जनता का भरोसा बोल रहा है। देखिए देखिए ना, समय बीतने दीजिए। अब एक और बड़ी खबर तो चलिए ठीक है, पूरा भरोसा हमने जनता के सीट पे कांग्रेस, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी मतलब इतनी बेगैरत वाली परफॉर्मेंस मुझे, मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा हितैषी हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कभी ये। अच्छा आप कांग्रेस के भी हितैषी हैं? कम से कम 15-20-25 सीट भी लाते मिश्रा जी, हम समझते हैं। मिश्रा जी कांग्रेस कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं, कांग्रेस मेरी बात मान ही नहीं रही है। हमने तो देखिए, मैं तो मान लेता हूँ, हाँ आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे कांग्रेस, रुक जाइए। और कांग्रेस की ये दुर्दशा कि इतना अनुभव ले करके अगर ये हालत हो रही है तो कोई कैसे ज्वाइन करे? पंडित जी मिश्रा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए। पंडित जी एक मिनट, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है आकाश पंडित जी, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। आकाश पंडित जी एक सेकंड, इसके साथ गई हम तो डूबेंगे, तो हमें मत डुबाइए भैया, हम जानते हैं हमें नहीं डूबो पाएंगे आप। एक मिनट पंडित जी, बोल रहे आप हितैषी हैं फिर आप बोल रहे हो? ओके एक मिनट आप पूर्वांचल का अपडेट लेंगे, हेमंत को लाइन अप करिए। एक मिनट हेमंत जी को लाइन अप करिए प्लीज, पूर्वांचल का अपडेट लेंगे, पूर्वांचल से कई बड़ी खबर आ रही है। एक मिनट पंडित जी, पंडित जी एक बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, बड़ी खबर ये आ रही है कि राकेश टिकैत किसान नेता, उनके इलाकों में बीजेपी आगे चल रही है। अभी मेरे पास सिर्फ खबर आ रही है, दो राउंड की गिनती पूरी हुई है वहां पर, और जसवंत नगर से भार्गव जी खबर ये आ रही है, जसवंत नगर से शिवपाल पीछे चल रहे हैं, शिवपाल और बीजेपी के पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। लेकिन पंडित जी भाई अभी रुझान ही तो है ना, हर भाई रुझान ही तो है या कुछ और है? अच्छा ये रुझान आपके पक्ष में होते तो आप कहते वाह बहुत बढ़िया। नहीं, हमने देखिए, हमने कहा ना, हाँ हमने कहा ना, अभी पिक्चर तो बाकी है, देखते रहिए भाई। हाँ हम आज भी अभी आश्वस्त, हम फिर बता रहे हैं, हाँ जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसे हम पे भरोसा है, हाँ हम उसके आगे कुछ नहीं कह सकते। ओके पंडित जी, हमने जनता को जगाया है, हमने जनता को जनाया है, हमने गरीब दुखियों को बताया है। अब कितने नारे लगाओगे, रुक जाओ, अब नारे तो खत्म हो गए ना, अब नारे खत्म हो गए। किसानों की आय जो दुगना कर रहे थे बाबा जी का ललका सांड, उसको भी हमने जनता की, अब आय दुगनी और सांड सांड की बात करते, सुनिए चावला जी एक मिनट बहुत देर से वेट करें पंडित जी, बहुत देर से वेट करें, सड़कों पे एक मिनट पंडित जी बहुत देर से वेट करें। पंडित जी मुझे एक बात बताइए, राकेश टिकैत के इलाकों में खबर आ रही है कि बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है, समझ रहे हैं आप इसका मतलब? लखीमपुर से भी खबर ये आ रही थी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, पंडित जी ये क्या हो गया? चावला जी, किसान नेताओं ने या किसानों ने जब आंदोलन भी चल रहा था तो सभी लोगों ने ही मिलकर के, जब देश में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने थे तो सभी किसानों ने ही वोट किया था, तब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने थे। ये लोगों ने
एक जबरदस्ती का मन में भ्रम डाल करके रखा हुआ है, जिसको जो भी सत्ता में बैठेगा उससे प्रश्न किया जाएगा। नहीं नहीं, आपने वोट की चोट कहा, आप उस पर आइए, वोट की चोट क्यों नहीं पहुंची फिर? इन रुझानों के मुताबिक मैं वही, अगर पश्चिम बंगाल में वोट की चोट मारी तो यहाँ क्यों नहीं? मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि कभी क्या राकेश टिकैत जी ने या अक्षांत पंडित ने या किसी भी किसान नेता ने ये कहा था कि किसको वोट किया जाए? अच्छा, लेकिन ये जरूर कहा गया, ये भी नहीं नहीं ये जरूर कहा गया है 100% ये जरूर कहा गया है कि जो भी किसानों के लिए ना काम करने वाले लोग हैं उनको वोट ना किया जाए।